10 रुपया नहीं दे के हमके मारे लागलो। तो हमर पति मैट्रिक पढ़ा लो और हम अंगूठा छाप ही और पहले तो भट्टा जात रही हंसते लेकिन कामते आवत रही घर। ये सीप शॉप से कितना कमा चुकी है तो मैडम हमें बताएंगे। हमार इनकम आउल है। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं हमारे सामने झारखंड की बहुत बड़ी शख्स बैठी हुई डबल डायमंड और इनको हर कोई जानता है दोस्तों। और मैं अगर मैं इनकी बात करूं तो ये पहले भट्टा में काम किया करती थी, भट्टा में 6 महीना काम करती थी और 6 महीना ये अपना बकरी वगैरह चराया करती थी और इनके पास 10 रुपया भी नहीं रहा करता था। ये 10 रुपया के लिए भी तरसा करती थी लेकिन आज ये शीप शॉप के माध्यम से करोड़पति बन चुकी है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, ये करोड़पति हैं और ये झारखंड की बहुत ही नामी ग्रामी डायमंड है। और दोस्तों अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बहुत ही स्मूथली तरीके से काम करके आज बहुत बड़ा टीम बना चुकी है। तो दोस्तों मैं आज इनसे मिलवाने वाला हूं और इनका आज हम लोग स्पेशल इंटरव्यू करने वाले हैं। तो हे गाइस दिस इज एवांसर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं इनका लाइफ जर्नी क्या था, इनका शुरुआत कैसे हुआ और इनको क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल में जाए उनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम सेवांसर 43 आपसे जाए उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे से इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। फ्रेंड्स मैडम तारीफ की मोहताज नहीं है, इन्हें हर कोई जानता है लेकिन फिर भी हम लोग चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए कि मैडम थोड़ा आप हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। जो है झारखंड, हमारा नाम सुको उरा ही के और चान्हो प्रखंड कुल्लू गांव कर रांची झारखंड कर ही के। अभी हम लोग मैडम से इनका फर्स्ट सवाल करेंगे। मैडम आप तो इतनी बड़ी हस्ती हैं, इतनी बड़ी शख्स हैं, झारखंड में आपको इतने लोग जानते हैं और सेप शॉप में आप डबल डायमंड भी हैं, तो मैडम आप हमें ये बताइए और हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आपका शुरुआत कैसे हुआ था। मैडम सेप शॉप बिजनेस से हमके बकरी चराए थे मिल लो और समझ में नहीं आलो जे हमके सेप शॉप बिजनेस प्लान दिखाए के लिख लिख बता था तो हमके समझ में नहीं आलो। जी जी लास्ट बता लो हमके मैडम एक दिन ऐसा दिन आएगा आप घर में रहिएगा तो आपका इनकम बनेगा। बिजनेस में लिख के बता लो तो हमके समझ में नहीं आलो लेकिन पैसा तो चाहे अनपढ़ रहे चाहे पढ़ल रहे सबको चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, वो तो चाहिए सबको चाहिए, हमके भी चाहिए रहो लेकिन हम सोचत रहिए जो पढ़ल आदमी बहुत कुछ कमा सकते ना। हम सोचत रहिए अपने आप बहुत छोटा समझत रहियो जे तो ये अनपढ़ हिंसु को कहीं कुछ नहीं कह सकी ना लेकिन सेफ सब ऐसा प्लान दिखा लो हमके बहुत अच्छा लगलो जे तो बहुत कुछ कह सकी ना। और हमके अनजान आदमी प्लान दिखा लो और हमके समझ में तो नहीं आलो लेकिन पैसा तो सबके चाहिए हमको भी चाहिए वही पैसा के चलते हम हमार पति रहो भट्टा में और हमके सेफ सब बिजनेस प्लान मिल लो और हम हाँ कर दिलियो। लेकिन आज सेफ सब हर गरीब के कहबो, अमीर के तो कमाए ले बहुत रास्ता हो लेकिन गरीब के कमाए ले रास्ता न खो। हम कहो हर गरीब की आवा सेफ सब में हम इन सब मिल के काम करिए ला से ले हर गरीब चाहे अमीर यहाँ कमा सकती ना और अच्छा जिंदगी जी सकती ना। हम जी सक मतलब हम इतना मतलब बेकार रही हो दुनिया से, आज हम बहुत अच्छा जिंदगी जिया थियो तो हम कहियो ला सब गरीब के कहियो ला आवा हमें मिल के एकदम हाथों में हाथ धर के एकदम सब हमें अच्छा रास्ता हमें जाए सकिए लो। बस यहाँ पैसा नहीं मांगोला और यहाँ मतलब पढ़ाई नहीं मांगला कुछ भी नहीं मांगोला, बस यहाँ जोश मांगोला हर कोई कमाए सकथो ना, बस चाहत होना चाहिए और थोड़ा सा जिगरा होना चाहिए। सो फ्रेंड्स मैडम ये समझाना चाह रही है आप लोगों को क्योंकि बहुत सारे लोग झारखंडी भाषा नहीं समझ पाते हैं, मैडम ये कहना चाह रही है कि इनके पास जब प्लान आया तो ये प्लान को नहीं समझी, ये प्लान को नहीं समझी थी क्योंकि इनको पढ़ा लिखा उतना नहीं समझ में आता था और लोग लिख के समझा रहे थे तो इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। इनको एक ही चीज़ समझ में आया कि भैया यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है और वो जो मैडम समझाने के लिए आई थी या फिर जो सर आए हुए थे वो इनको ये कहे थे कि देखिए आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप तो नौकरी नहीं कर सकते हैं, कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते, आप क्या काम कर सकते हैं, आप एक भट्टा में काम करने वाले इंसान हैं।
तो अगर आप इसमें आएंगे तो यहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। और रियली में वही हुआ, इनके पास एक जुनून था और उसी जुनून के साथ ये आगे बढ़ते गई और ये सीप शॉप के अंदर आज करोड़पति बन चुकी है, सिर्फ और सिर्फ एक जुनून के माध्यम से। इनके पास ना पैसा था उस टाइम ज्वाइन करने के लिए, ना ये बिजनेस को समझी थी। क्या समझी थी? कि भैया यहाँ से कमाया जा सकता है, और ये आज सेफ शॉप में कमा चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पूछेंगे मैडम से नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोग मैडम से ये जानना चाहेंगे, और आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेड रहेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि भाई मुसीबत हर कोई के साथ आता है और ये मैडम के साथ भी आया। आज तो ये डबल डायमंड है, इसका जिधर जाएंगे उधर वाह वाह ही होगा, बहुत कोई तारीफ करेंगे, बहुत कोई बोलेंगे मैडम डायमंड बन गई। लेकिन मैडम, आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि जिस टाइम आप मेहनत कर रहे थे उस टाइम आपको क्या क्या मुसीबत आया, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और आप डीमोटिवेट भी हुए होंगे, तो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करिए कि आपको क्या क्या दिक्कत आया। जब शुरुआत में हम जॉइनिंग कर लियो तो सबसे पहले तो हमार बहन ठिन ले गेलियो हमार सीनियर के, तो हमार सीनियर हमार बहन कहलो जे हमार से नहीं हो तो बहन तो ही कर ले, कह के पैसा मतलब कुछ पैसा देवत रहो तो ही कर देवे ले। तो हम कहलियो तो के हम पैसा रखवाए नहीं आयो, हम तो के हम जे काम करत हियो ना तो खो लेके हम संगे काम करबे और हम भी रईस बनबो तो खो बनाबो। तो हमार बहन कहलो हमार से नहीं होतो तो बस उके जबरदस्ती नहीं कर लियो, बस हुआ से हम यह सीख क्या लियो सलाह ई हमार बहन नहीं कर लो ने एक दिन पक्का कर दो, लेकिन आज हम छोड़ दियो। हमार दादा ठिन गेलियो और हमार दादा मने हमें चार भाई बहन, तो हम बहन में से बड़ ही किए और भाई मने बड़। तो हमार दादा मन के प्लान दिखाए गेलियो तो हमार दादा कल की कोर्ट देख के सब डरथुन नहीं, तो हमार दादा कोर्ट देख के मतलब हम हिने से घुसा थी तो हमार दादा हिने से निकलत हो। तो हमार दादा के कहलियो हम रुक दादा कहाँ जाथिन, तो हमार दादा कहत हो तोर भौजी हो मैया हम जाती हो बारी बटे। हम कहलियो कैसे लागलो, हमार दादा के लागलो जे हमार बहन ठके आओ, लेकिन जब भी आबो तो हम ठके नहीं आबो नहीं यार नहीं। तो हमार दादा के कहलियो दादा कहाँ जाथिन, हम बारी बटे जाते हैं रोक कह के ओके धर लियो। कल की हमारे दादा हमके बहुत दुलार प्यार देवला, तो हमार दादा के धैर्य की हम कहलियो दादा एक काम करत हियो बस तोर से एक सलाह लेवे आब आहियो, अच्छा हो तो हाँ का और नखो तो नखो बढ़िया का नहीं करबो, हम जो नहीं कह रही हो लेकिन हमार दादा के कहलियो तोर से सलाह लेवे आहियो। और हमार दादा के बैठा के हम प्लान दिखा लियो और कहलियो जे दादा अच्छा हो कि खराब हो, तो हमार दादा कहा तो बहुत बढ़िया हम यहाँ करना चाहिए, हम करा थे 3 ID से तुम्हों कर 3 ID से। और हमार दादा मने दूगो हथुँ दूगो में 6 ID से मतलब 3 ID कर जॉइनिंग कर ली थूँ मतलब 6 ID और बगल वाला एक ठो भैया रहो से 1 ID मतलब एक प्लान में हमार बहन ठीक से सीख क्या लियो नहीं हुआ नहीं जॉइनिंग कर लो, लेकिन हुआ से हमार बहन जोश दे के भेज लो मतलब जोश भर लो। और हमार नैहर में आए के हम एक प्लान में हम 7 sale उठा लियो और हमार दशरथ सर कहा था जब बहरे शेरनी ऐसा गतर ठोका था जब बहरे शेरनी तेरा में तो इतना दम है रे, तुम तो एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगी और क्या बोलेंगे बहुत बड़ा पैसा भी कमाएगी, जैसा हम कमाएंगे वैसा तुम भी कमाएगी। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने मैडम क्या कहना चाह रही थी। मैडम यही कहना चाह रही थी आप लोगों से कि भाई अगर आप शुरुआती दौर में मेहनत करते हैं और अगर लोग ना कहते हैं तो आप लोगों को नेगेटिव नहीं होना है, आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि आप लोगों को आग पैदा करना है अपने अंदर और वहां से मेहनत करते जाना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और मैडम भी ऐसे ही की और आज ये सफल हो गई। दोस्तों, अभी हम लोग मैडम से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं और मैडम से अभी हम लोग ये पूछेंगे कि मैडम आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आपके लाइफ में आपके पूरे जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ था जो आपके दिल में लगा और आप मेहनत करते गए और आज सफल हो चुके हैं, सेफ शॉप में डबल डायमंड बन चुके हैं और आप यहां से करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। आपके दिल में ऐसा कौन सा ठोकर आया था, ऐसा कौन सा मोड़ आया था, आप हमारे ऑडियंस को बताइए। सावन जी, हम जब भट्ठा से हम आ लियो घर 6 महीना भट्ठा खेट के हम जब घर आ लियो तो अपन नैहर तो जाए पड़तो नहीं, वो तो है। हाँ, हम भी जात रहियो नैहर, तो बीच में एक 82 गांव कहते हो ना
मिठाई दुकान देख लियो तो कहलियो 10 रुपया दे नहीं 10 रुपया हम भी मतलब रट लगा देलियो 10 रुपया मतलब नहीं मतलब मिठाई किनबो नहीं कहलियो 10 रुपया दे दे तो हमके 10 रुपया नहीं दे के हमके मारे लागलो मारे लागलो तो हमके लागलो बहुत जोर मारलो और वो लूट के अपन छुआ के लूट के अपन अपन गांव और हम अपन गांव चल गेलियो तो वही ठिना हमके लागलो एक दिन नहीं एक दिन तो पति से हम ज्यादा कमाबो इस तरह लागलो वही ठिन से हमके आग लग रहलो दिल में साला एक दिन हम भी कमाबो लेकिन चाय के भी अंगूठा छाप कहाँ कमाबो तो रस्ते नहीं रहो लेकिन आदमी चाहतो ना तो भगवान भी कहीं से दो रास्ता दे ही देता है। हाँ तो वही बीच में हमके फिर सेब सब बिजनेस मिल लो और हमके यही बता लो जे सेब सब का बिजनेस प्लान में समझ मालो जे एक दिन मरने के बाद भी पैसा मिलेगा वही दिन ठान ले ली बगरा कमाबो और वही बीच में हमके सेब सब बिजनेस प्लान मिल लो और पूरा ठान ले लियो जे इससे कमाना है जितना मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे लेकिन सलाह हम एक दिन जिंदगी बदलेंगे कहे कि गरीब जीना तो मतलब गरीब तो हमके पैदा दे हो भगवान हाथ गोड़ बढ़िया दे हो नहीं बिल्कुल हाथ गोड़ बढ़िया हो कुछ भी कह सकियो नहीं मेहनत करबो तो सलाह गरीब रही के हम मोरबो से अच्छा हो तो नहीं हो तो नहीं सलाह झेलबो जितना भी झेले खाओ झेलबो लेकिन एक दिन रईस बन के मोरबो और उस जिंदगी आई आलो सेफ सब जी जी जी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना कि मैडम क्या कहना चाह रही थी। मैडम यही कहना चाह रही थी कि भाई ये अपने हस्बैंड से 10 रुपया मांगे हुए थे और इनको 10 रुपया नहीं मिला था और 10 रुपया के बदले इनको मार मिला था और वही मार इनके दिल में लगा, इनके दिल में आग जला और इनको लगा कि नहीं एक दिन मैं अपने पति से ज्यादा इनकम करूंगा और आज ये करती भी है। जी हाँ ये अपने पति से बहुत ज़्यादा इनकम करती है और ये करोड़पति भी है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों अब हम लोग मैडम से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं और वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैडम ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और वहाँ पर ये कहते हैं कि भाई ये काम बेकार है, ये काम फ्रॉड है, ये काम अच्छे लोगों का नहीं है, तो आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहिएगा कि ये काम बेकार है रियली में या काम अच्छा है, आप हमारे ऑडियंस को बताइए। पता नहीं कैसे लोग बेकार कहता है, हम तो इतना बेकार थे मतलब बहुत बेकार रही हो मतलब हम 2-4 गो आदमी ठिन बोले ले हम डरात रही हो काल की हम अंगूठा छाप ही हो से ले 2-4 गो आदमी ठिन हम डरात रही हो कैसे करियो हमके भी लागलो एक बेर लेकिन ये सेफ सब बिजनेस हम तो हमार बट से कहे चाहबो बहुत शानदार हो सबका जिंदगी बदल सकौला हमार बदल लो तो आदमी कर नहीं बदल सकौला। बिल्कुल बिल्कुल बदल सकते हम दुनिया से बेकार रही हो लेकिन आज बहुत अच्छा बना दिलो ये सेफ सब हम सेफ सब को तो बहुत अच्छा कहबो हर गरीब के जिंदगी बदलो ना इसलिए हम बहुत अच्छा कहबो हर गरीब की आवा हमें मिल के करबो। जी तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि मैडम क्या कह रही थी। मैडम यही कह रही थी कि काम बेकार नहीं होता है, कोई भी काम बेकार नहीं होता है। दोस्तों अब हम लोग इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे और लास्ट क्वेश्चन क्या है ये तो आप लोगों को पता ही है कि भाई मैडम जब तक अपना इनकम नहीं बताएगी तब तक तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग बनने वाला ही नहीं है, ये इंटरव्यू जो है इंटरेस्टिंग बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए आज हम लोग जानेंगे कि मैडम सीप शॉप से कितना इनकम कर लेती है और आज तक ये सीप शॉप से कितना कमा चुकी है, तो मैडम हमें बताएंगी और हमारे ऑडियंस को भी बताएंगी। हमारे 1 से 1.5 लाख सप्ताह कर कमाई होला और बाकी हमार बेटा कर हमार बेटी कर और हमार पति कर वो अपन कमात होना हमार इनकम आवला 1 से 1.5 लाख हर सप्ताह का इनकम। जी जी और मैडम आप कितना कमा चुके हैं सेफ शॉप से? आज हम 1 करोड़ कमा चुके हैं सेफ शॉप से। जी जी और आपके पास क्या क्या अचीवमेंट है थोड़ा बताएंगे हमारे ऑडियंस को? आई जी हमार ठिना कार हो, पहले तो किन रही हो का कहते ओल्टो ओल्टो कार किन रही हो और उकर बादे करेटा जी उकर बादे एखन डस्टर हो जी जी और स्कूटी मतलब 4 गो हो जी 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 और एक ठो बूढ़ा बाप के लिए लूना कहते ना जी जी हाँ लूना लूना बोला लूना हाँ टीवीएस कहते ना कि लूना कहते ना और बाकी हम तो चला नहीं पा रही हूँ एक दिन हम भी ठान ले लिए जो कार चलाबो। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि मैडम का अचीवमेंट क्या क्या है, इनके पास
बहुत सारे कारें हैं, इनका मंथली इनकम भी बहुत बढ़िया है और ये संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुँची हैं। इनके पास बाइक्स भी बहुत सारे हैं, तो इन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया, तभी ये आज यहाँ तक आ पाई हैं। और मैडम से हम लोगों को मिलकर बहुत बढ़िया लगा, मैडम हम लोगों को टाइम दी, आप लोगों को भी टाइम दी, तो गाइज ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। और मैडम से हम लोग हमेशा इंस्पिरेशन लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, और आप भी होंगे गाइज, मुझे पता है। और अभी हम लोग मैडम को यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस को मैडम अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे, जो कि आज मेहनत नहीं कर रहे हैं वो कल से मेहनत करना स्टार्ट कर दें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, एक लास्ट मैसेज दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। सावन जी, मेहनत तो हर जगह करे खोल नहीं, जैसे कि भट्ठा में काम करत रहे हूँ मेहनत करे खोत रहो, छगरी चरात रही हूँ मेहनत करे पड़त रहो, मेहनत हर जगह करे पड़ोला, बिना मेहनत कर तो दुनिया में कुछ भी ना खो। तो जब भट्ठा में मेहनत करत रही तो कुछ भी नहीं होलो, यहाँ से ज्यादा मेहनत करत रही, लेकिन हियाँ मेहनत एखन करत थी तो गाड़ी में घूमत हो, नहीं जब भी घूमत गाड़ी में घूमत हो। तो हम तो कहब हर जगह मेहनत करे खोत हो, लेकिन हियाँ भी मेहनत, हियाँ बस सपोर्ट सिस्टम हो, यहाँ सीनियर का साथ में जाए खो, और सीनियर प्लान दे तो हमके बैठ के बस सुने खो, नहीं बाकी का करे खो। तो हम तो कहब बहुत अच्छा हो करा, और हम इन मिल के करिए सेलेसेप सब बहुत अच्छा हो, बाहर कर दुनिया में तेकले करे खोला, जैसे कि खेती बाड़ी करबे तेकले करे खोल नहीं, लेकिन यहाँ सेफ सब सपोर्ट सिस्टम हो। आज हमार टीम हो, आज 30,000 टीम हो, अगर हम नौकरी करते लियो तेकले करते लियो नहीं, एकले करते लियो तो हम जब करते लियो तभी पैसा मिलते लो। आज हम घर में बैठल रही नहीं, आज टीम काम करो ला हम रानी ही कियो, आज हमार बेटा बेटी सेफ सब में इतना पैदा कर दे हो, नहीं घर में बैठल रही होला इनकम आवोला, बाहर कर दुनिया में साइ सोच के भी नहीं आता। तुहिन भी आए के मेहनत करा, जैसे हम मेहनत कर ली इस तरह तुहिन भी मेहनत करा, हमार से अच्छा जिंदगी तुहिन जीवन नहीं। तो फ्रेंड्स, मैडम का इंटरव्यू लेके बहुत अच्छा लगा, ये अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताई, बहुत कुछ ऐसा बात है जो कि हम लोग नहीं जानते थे और आप भी नहीं जानते थे। और इनका जो संघर्ष था वो बहुत ही मेहनत के साथ गुजरा, बहुत ये मेहनत किए, बहुत संघर्ष के साथ ये अपना सक्सेसफुल का जो जर्नी था वो किए ये। तो गाइज बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, तो आप लोग भी इस वीडियो के अंदर सपोर्ट दिखाइए, क्या मैडम सपोर्ट तो दिखाना बनता है। सहबान अंसारी के सपोर्ट करवा, हम इन सब झारखंड कर ये चैनल के सपोर्ट करवा सबको यहाँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों का मन पसंद डायमंड जिसे आप लोग बहुत पसंद करते हैं, इनका वीडियो मिलियन में जा चुका है और उनका इंटरव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो गाइस सपोर्ट तो बनता है, अब तो मैडम भी बोल दी कि यार चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है। तो दोस्तों, अगर ये इंटरव्यू आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम सबसे 43 आपसे जाएं उसे फॉलो करें, और गाइस अगर आप चाहते हैं आपके हिसाब से वीडियो आए, आपके टॉपिक में वीडियो आए, वैसे बहुत सारा भी इंटरव्यूज आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट के अंदर बताइए, मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।